सुरियावा कोतवाली का हेड कांस्टेबल गिरफ्तार, डराकर 2,30,000 वसूले। आईजीआरएस के माध्यम से मुख्यमंत्री दरबार पहुंचा मामला, तो नींद से जागे अधिकारी। इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि यदि इस मामले की शिकायत आईजीआरएस के माध्यम से मुख्यमंत्री दरबार में न की गई होती तो क्या समय रहते फरियादी को न्याय मिल पाता। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बार बार हम इस बात को लेकर आवाज उठाते रहते हैं कि जनपद में शीर्ष अधिकारी निगरानी में कमजोर साबित हो रहे हैं, फिर चाहे बात विकास की हो या फिर कानून व्यवस्था की। हम बार बार आग्रह करते हैं कि जनपद के शीर्ष अधिकारियों को विभागों में जाकर पड़ताल करनी चाहिए। चलिए अब पूरी खबर पर नजर डालते हैं। सुरियावां कोतवाली पुलिस ने अपने ही थाने के मुख्य आरक्षी को मंगलवार की देर शाम गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरक्षी ने स्वयं को एसओजी सिपाही बताकर मैनपुरी निवासी एक व्यक्ति को अवैध ढंग से हिरासत में ले लिया और उसकी पत्नी से कार्रवाई का भय दिखाकर 2,30,000 रुपए वसूल लिए। मामले की जानकारी होते ही पूरे महकमे में अड़कंप मच गया। पीड़िता ने सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। जानकारी के अनुसार मैनपुरी जनपद के गोरवली थाना क्षेत्र के नगरा ऊसल गांव निवासिनी सीमा देवी ने आईजीआरएस पर शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि भदोही जनपद के सुरियावां कोतवाली में तैनात मुख्य आरक्षी सुरेंद्र प्रताप ने खुद को एसओजी का सिपाही बताया और उनके पति गिरीश कुमार को वाराणसी रेलवे स्टेशन से अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगाया कि मुख्य आरक्षी ने उन्हें डरा धमकाकर उनके पति को गंभीर आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी देते हुए 2.5 लाख रुपए की डिमांड की। भय के कारण उन्होंने गूगल पे के माध्यम से आरक्षी के बताए खाते में 2,30,000 भेज दिए। शिकायत के बाद प्रकरण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन के पास पहुंचा। मामला गंभीर होने की दशा में उन्होंने तत्काल सीओ भदोही अजय चौहान को जांच अधिकारी नामित कर दिया। सीओ ने जांच में पाया कि मुख्य आरक्षी सुरेंद्र द्वारा सुरियावां के मौजूदा बाजार निवासी गोविंद के खाते में 2,30,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। सीओ की जांच में प्रकरण सही पाया गया, जिस पर एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन ने तत्काल मुख्य आरक्षी को निलंबित करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरी तरफ जिस व्यक्ति के खाते में मुख्य आरक्षी ने धोखे से पैसे डलवाए थे, उसने भी प्रकरण सामने आने पर आरक्षी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मुख्य आरक्षी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीओ अजय चौहान ने बताया कि आईजीआरएस की शिकायत के बाद प्रकरण संज्ञान में आया है। वहीं एएसपी डॉक्टर तेजवीर सिंह ने बताया कि मुख्य आरक्षी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे निलंबित करने के साथ उसके विरुद्ध शासकीय कार्रवाई की जा रही है। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। मुख्य आरक्षी सुरेंद्र प्रताप थाना सुरियावा जनपद भदोही के द्वारा स्वयं को एसओजी का सिपाही बताकर गिरीश कुमार निवासी ग्राम नगला उसर थाना कुरावली जनपद मैनपुरी को अवैध रूप से हिरासत में लेकर कार्रवाई का भय दिखाते हुए उनकी पत्नी से 2,30,000 रुपये गूगल पे के माध्यम से वसूलने के संबंध में पुलिस अधीक्षक भदोही महोदय को शिकायत प्राप्त हुई, जिसके संबंध में क्षेत्राधिकारी भदोही से जांच कराई गई। जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए। प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पुलिस अधीक्षक भदोही महोदय ने तत्काल प्रकरण में कार्रवाई हेतु आदेशित किया, जिस संबंध में थाना सुरियावां पर आज दिनांक 30 जुलाई को आरोपी मुख्य आरक्षी सुरेंद्र प्रताप के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आरोपी सुरेंद्र प्रताप के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई अलग से की जा रही है। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।